अभी हम सबसे भयानक इशू के बारे में बात करेंगे, वो है जनसंख्या वृद्धि, ओवर पॉपुलेशन। ये सब समस्याओं का मूल में है, कोई भी इस पर बात करना नहीं चाहता है। कोई नेता, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट कोई बात करे तो उसे निकाल दिया जाएगा, क्योंकि ये रिलीजियन का खिलाफ है, ट्रेडिशन का खिलाफ है। इसलिए कोई भी पावरफुल व्यक्ति इस मुद्दे पर बोलना नहीं चाहता है। ना ही हमारा एक्टर एक्ट्रेस बोलेंगे, ना ही हमारा क्रिकेटर बोलेंगे, कोई भी नहीं बोलता। जो भी पावर में है अगर वो बोलेगा तो उसका पावर ख़त्म। लेकिन सबको सब दंड भोग रहे हैं ओवर पॉपुलेशन के कारण। ओवर पॉपुलेशन क्या है? ओवर पॉपुलेशन एक अनिश्चित अवस्था है जो कि कोई भी प्रजाति, जैसे मनुष्य प्रजाति, जितने जरूरत है उससे ज्यादा हो जाने के कारण होता है। उसका बहुत सारे कारण है और उसका दुष्परिणाम भी है, हम उसके बारे में थोड़ा विचार करेंगे आज। ये पिक्चर थोड़ा देखिए, कैसे लोग कीट पतंग चींटियों की तरह, इंसेक्ट की तरह भरे हैं। कोई यात्रा है या मेला है, कुंभ का मेला होता है, रथ यात्रा होता है हमारा उड़ीसा में, और उज्जैन में, तीर्थ क्षेत्र में, या कोई एक्टर एक्ट्रेस आ जाए, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर आ जाए, तो लोगों का भीड़ देखना, पागल जैसे इकट्ठे होते, जैसे कि कोई महापुरुष के दादा आ गया है, गधे के बच्चे आने से इतने शोरगुल उपद्रव। द ह्यूमन ओवर पॉपुलेशन इशू इज द टॉपिक आई सी एज द मोस्ट वाइटल टू सॉल्व इफ आवर चिल्ड्रेन एंड ग्रैंड चिल्ड्रेन आर टू हैव ए गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। अलेक्जेंडर पल, अच्छी बात ने कही अलेक्जेंडर पल ने। तुम अपने लिए ही सोच रहे हो, अपने परिवार के लिए ही मर रहे हो, लेकिन आने वाले लोग, जो फ्यूचर जेनरेशन, इनके लिए भी तुम्हारा कोई भी दायित्व नहीं है क्या? कोई भी कर्तव्य नहीं है क्या? अगर पिछले जेनरेशन के लोग ऐसे ही सोचते तो तुम आज यहीं पे नहीं होते, और वो ट्री प्लांट नहीं करते, विज्ञान की खोज नहीं करते, तो तुम कैसे अभी आराम से रह रहे हो, कंफर्ट प्लेजर में नहीं रह सकते थे। इसलिए तुम भी सोचो अगले जेनरेशन के लिए, और गैर जरूरी बच्चों को पैदा मत कीजिए, और करेंगे तो आप ही जिम्मेदार है इस दुनिया का ध्वंस के लिए, इस दुनिया को दुखी बनाने के लिए, गरीब बनाने के लिए, पापी बनाने के लिए। ओवर पॉपुलेशन के लिए ही वो क्राइम रेट भी बढ़ रहा है रोज, मर्डर, रेप, किडनैपिंग, थेफ्ट, ऑल काइंड्स ऑफ क्राइम्स आर गोइंग ऑन। इसका कारण सब लिखा है, ये सब आलोचना करेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा। पहले हेडिंग देख लेते हैं आज, वेरियस कॉजेस ऑफ ओवर पॉपुलेशन, द डिक्लाइन इन द डेथ रेट। मेडिकल साइंस के उन्नति हेतु जितने लोग मर रहे थे पहले, प्लेग होकर या हैजा होकर, एड्स होकर, टीबी होकर, आजकल नहीं मर रहे हैं, ये सब जिंदा है। बूढ़े लोग नहीं मर रहे हैं, व्यर्थ ही जीवन जी रहे हैं, और अपने आप तो परेशान है, दूसरों को भी परेशान कर रहे हैं व्यर्थ की उपदेश दे देकर। इसलिए बूढ़े होने तक बचने का क्या जरूरत है? अगर जो आदमी जिंदा है ठीक ढंग में तो पहले से ही चला जाना चाहिए। बूढ़ा हो, दंड भोगो, लात गोईठा खाओ, अपने परिवार से असमन्वित हो, वृद्धाश्रम में जाओ रहो, ये क्या फटीचर हाल बनाए है आपने। एग्रीकल्चरल एडवांसमेंट और कृषि भी बढ़ गया, इसलिए भी एक महत्व कारण है। पहले कृषि नहीं था, हंट करते थे, शिकार करते थे, जंगल में खाते थे कंचा मांस, लेकिन कृषि हो गया तो परमानेंट रेसिडेंस हुए, परिवार बनाए और बच्चे पैदा किए, शादी आया। सबसे बड़ा खतरनाक और मूर्ख रिटायर्ड पड़ता है विवाह,
विवाह सब दुखों का कारण है, सब समस्या का प्रारंभ है। कोई जानवर या पशु पक्षी विवाह नहीं करते, केवल महामूढ़ आदमी को छोड़कर, इसलिए आदमी दुखी है। और जितने विकसित देश है उससे मैरिज उठ रहा है, विवाह। केवल डेवलपिंग कंट्री, अनविकसित देश जैसे हमारा भारत, पाकिस्तान, वो लोग ही बच्चा पैदा कर रहे हैं। मूर्खों का देश है ये, जो बच्चा पैदा करते हैं ना समझी के कारण, अपने मूड मोरालिटी और धर्म के कथा कथित पागलपन को पूरा करने के लिए। बेटर मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी भी बढ़ गया है, मेडिकल साइंस का इम्प्रूव हुआ है। ये मनुष्यता के लिए बुन नहीं है, ये कर्स है। मेडिकल साइंस को लुप्त हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। जो आदमी गलत ढंग से जी ही रहा है मरना चाहिए, तभी तो बैलेंस होगा। पहले से अच्छा था जब लोग मरते थे ज़्यादा, अब सब जिंदा है, उल्लू के पट्टे व्यर्थ ही जी रहे हैं, अपने लिए समस्या सृष्टि कर रहे हैं औरों के लिए भी। अपने जीवन के बारे में थोड़ा सोचना, तुम किस खेत के मूली हो, और मूली भी भारी मामूली है। तुम्हारा क्या, अपने लिए तुमने क्या किया, औरों के लिए क्या किया, कौन सा क्रिएटिव और प्रोडक्टिव काम तुमने किया है अपने जीवन में। चाइल्ड लेबर भी एक कारण है, 150 मिलियन चिल्ड्रेन, मतलब 15 करोड़ चिल्ड्रेन चाइल्ड लेबर कर रहे हैं, क्योंकि ये रोटी कमाएंगे तो अपना परिवार चलेगा। कैसे पागल लोग है। आदमी अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर रहा है, और उसका स्वार्थ भी नासमझी से निकला है, इसलिए वो दंड भोग रहा है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन फर्टिलिटी ट्रीटमेंट, और फर्टिलिटी ट्रीटमेंट में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ, इसलिए भी ओवर पॉपुलेशन बढ़ रहा है। इमिग्रेशन, एक जगह से दूसरी जगह, शहर को सब जा रहे हो, उल्लू का पट्टी, अमेरिका, यूएस, यूके, कनाडा, हमारे यहाँ दिल्ली चलो, नरक को चलो, क्यों जा रहे हो, बॉम्बे चलो, वहीं पे कोई आदमी रहता है क्या, जानवरों के जैसे रहते हैं वहीं पे, कोई प्राकृतिक परिवेश इतना नहीं है, पेड़ पौधे पक्षियों से बिल्कुल डिस्कनेक्ट, केवल आदमियों के बीच रहो, मरुभूमि है वहीं पे, जीवंत आदमी रह नहीं सकता वहीं पे। लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग भी नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाया नहीं जा रहा है, अगर पढ़ाया जा रहा है तो इतना भी थोड़ा थोड़ा पढ़ाया जा रहा है। अशिक्षित है, बहुत सारे इलिटरेट है हमारे इंडिया में। भारत का मूर्खता का कोई सीमा नहीं है, 76% ऑफ एज वुमेन ब्रिटेन में यूज कर रहे हैं कंट्रासेप्टिव, लेकिन हमारा यहीं पे औरतें मर्दांगी दिखाती है। तेरा बच्चा कितना है, मेरा 10 है, तो मेरा 12 है। फटाल इफेक्ट्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन, डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स कम हो रहा है। डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट, सब जितने सारे एनवायरनमेंट इशू हो रहे हैं सब भी ओवर पॉपुलेशन मेन कारण है। देखो कैसे पागलपन, जितने विदेशी है रब्बार दिन वो चला जाते हैं सी बीच को, वही को नरक बना देते हैं। ऐसे ही भारत में तो और फटीचर हाल है, सबसे ज्यादा फटीचर, कम जगह में इतने आदमी, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड वार्स, सब लड़ झगड़ रहे हैं भाषा के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर। राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या चारों ओर दिखाई दे रहा है, बेरोजगार है सब। कोरोना वायरस के लिए अब के लिए भी हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, ज़्यादा लुक हो गए तो घपड़ सपड़ होगा ही। पैंडेमिक्स एपिडेमिक्स भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि अनहाइजीनिक कंडीशन में रहेंगे, माल न्यूट्रिशन, टार्वेशन, फेमिन, लोग खाने के लिए भी नहीं मिल रहा है एक वक्त की रोटी, वो गधे भी बच्चे पैदा कर रहे हैं। वाटर शॉर्टेज हो रहा है, पिछले तमिलनाडु में हुआ था, और क्या क्या होगा देखो, कभी सोचे नहीं होगे ऐसे प्रॉब्लम आके खड़ा होगा, खड़े होने के लिए भी जगह नहीं रहेगा। ऐसे ही जैसे डायनासोर खत्म हो गए, तुम मनुष्य लोग भी खत्म हो जाओगे। लोअर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक्सटिंक्शन, मास एक्सटिंक्शन होगा। इंक्रीज इंटेंसिव फार्मिंग कर रहे ज्यादा, उल्लू का पट्टे,
मनुष्य का बच्चे हो रहे, अपने को समझदार समझने वाले। फास्टर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, दंड भोग रहे हैं। इनक्रेडिबल सोल्यूशन टू ओवर पॉपुलेशन, बेटर एजुकेशन एक उपाय है, क्योंकि एजुकेशन में हम लगेंगे तो हमारा समय शक्ति भाई एजुकेशन फॉर गर्ल चाइल्ड। 130 मिलियन यंग वुमेन गर्ल्स अराउंड द ग्लोब आर नॉट एनरोल्ड इन स्कूल, ये सबसे दुखद घटना है और क्या हो सकता है। मेकिंग पीपल अवेयर ऑफ फैमिली प्लानिंग टैक्स बेनिफिट्स और कंसेशंस, नॉलेज ऑफ सेक्स एजुकेशन, सोशल मार्केटिंग, इंफोग्राफिक ऑन अवर पॉपुलेशन। 7.9 बिलियन सब मरेंगे, ग्लोबल सुसाइड होगा, सब मरेंगे। पॉपुलेशन ऐसे ही बढ़ता चला तो लोगों का फटीचर हाल होने वाला ही है। इस पर थोड़ा विचार कीजिए और दूसरों को भी बताइए क्या हाल है। ओवर पॉपुलेशन, सब दंड भोग रहे हैं, ट्रैफिक में दंड भोग रहे हैं, बैंक में, मेडिकल में, ऑफिस में, एजुकेशन में, सब जगह समस्या ही समस्या। क्यों इतने बच्चे पैदा कर रहे हैं? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? थोड़ा होश में आओ, जागो। सुख शांति चैन में रहना जैसे कोई चाहता ही नहीं, सदा शोरगोल उपद्रव में लगे हुए हो। कोई सार्थक की काम धंधा नहीं है क्या? कोई तुम्हारे लिए और कोई सृजनात्मक कार्य नहीं, केवल बच्चा ही पैदा करने हैं। जैसे मूड चाइना वाले और भारत वाले और पाकिस्तान वाले केवल बच्चा पैदा ही कर रहे हैं, और उन गधों का कोई काम धंधा ही नहीं जैसा लगता है मुझे। इस पर थोड़ा विचार करना।